वहीं अजय चौटाला को दिल्ली की तिहाड़ जेल से अब रिहा कर दिया गया है। दरअसल हरियाणा के टीचर भर्ती घोटाला मामले में अजय चौटाला को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, तो वहीं अजय चौटाला की रिहाई के बाद अब अजय चौटाला के समर्थकों में उत्साह देखने को मिला है। साथ ही उन्होंने अजय चौटाला का स्वागत किया। दिल्ली से सामने आई ये तस्वीरें यूजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए वाकई राहत देने वाली थी। दिल्ली में यूजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों से अजय चौटाला का स्वागत किया, कुछ ने गले मिलकर अपनी खुशी जाहिर की। दरअसल जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा काट रहे अजय चौटाला की सजा पूरी हो गयी है। अजय चौटाला ने इसे लेकर तिहाड़ जेल में कागजी कार्रवाई पूरी की, जिसके बाद यूजेपी कार्यकर्ताओं ने अजय चौटाला का जोरदार स्वागत किया, खुशी जाहिर की। दरअसल जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में साल 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला समेत 53 अन्य आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने दोषी करार दिया, 10 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं पिता की रिहाई के बाद डिप्टी सीएम और अजय चौटाला के बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला ने भावुक होते हुए ट्वीट किया। दुष्यंत लिखते हैं, एक परिवार और पार्टी के तौर पर आज हमारे लिए 9 साल 25 दिन के बुरे सपने का अंत हो गया। आपकी निरंतर उपस्थिति एक बहुत आवश्यक आशीर्वाद और पिताजी का समर्थन होगी। आप हमारे हीरो हैं, आपको घर वापस पाकर खुशी हुई। इस बीच दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट किया और लिखा कि स्वतंत्रता अमूल्य है, 9 साल 25 दिन बाद हमारे लिए बड़ा दिन। यूं तो जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला की सजा जनवरी 2023 में पूरी होनी थी, लेकिन 60 साल से अधिक उम्र होने के चलते उन्हें सजा में छूट मिली है। नियमों के तहत राहत मिलने पर उनकी सजा 26 जनवरी 2022 को पूरी हो गई थी, लेकिन कागजी प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई थी, जिसे अजय चौटाला ने तिहाड़ जेल जाकर पूरा किया। उसके बाद वो दिल्ली स्थित फार्म हाउस पहुंचे थे। अनिल मोर, दिल्ली, खबरें अभी तक।